मैं समुद्र खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर चाकू की नोक पर ट्रक ड्राइवर से लूट करने वाले दो लुटेरों में से एक लुटेरे को मौके पर पहुंचे ट्रैफिक कर्मचारियों ने पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर पप्पू यादव ने बताया कि देर रात वो थाने की तरफ जा रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार दो युवकों ने ट्रक को मुंब्रा देवी के नज़दीक रुकवा लिया और ड्राइवर को चाकू दिखाकर उससे पैसे छीन लिए। मगर इसी दौरान गश्त पर निकले ट्रैफिक कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें से एक युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे युवक को ट्रैफिक कर्मचारियों ने पकड़ लिया, जो अपना नाम सुल्तान बता रहा है। इस आरोपी को पकड़कर मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं इसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस आगे इसकी कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है भाई आपका? पप्पू यादव। क्या हुआ था आपके साथ में मुंब्रा वापस हुआ था? सर, हम तलोजा से जा रहे थे भिमंडी, सिलफाटा में डीजल डाल के चाय पी के निकले। मुंब्रा घाट जैसे चढ़ना हुआ, दो बाइक वाले आगे पीछे रुका रहे, ज़बरदस्ती पूरा रोड खाली है। उसके बाद बीच में गए जहाँ पे मंदिर है, वहाँ ज़बरदस्ती रुका के पैसा वैसा भी छीने और चाकू दिखा रहे थे। कितने लोग थे? दो जन थे। दो, एक पुलिस की गाड़ी आई मारुति, दो साहब लोग थे। उसके बाद दोनों जन को पकड़े, फिर लेके आए पुलिस चौकी, एक जन भाग गए। क्या पूछताछ हुई आपके साथ चौकी में? कुछ नहीं, बस यही पूछे क्या छीना गया, क्या तुम्हारा मतलब क्या क्या किए। हम बताए कि पैसा 200-300 रुपया गया है और चाकू दिखा रहा था। चाकू अभी जो भी ट्रक जाए वहाँ से सेफ्टी से जाए सर, और अपने साथ कुछ ना कुछ सेफ्टी का सामान लिए रहें। अगर कोई भी वो हादसा होता है उनके साथ, तो जो आवाज़ लगाए पब्लिक को इकट्ठा करके बुलाए,